बिलीफ सिस्टम कैसे बने? मेरा बिलीफ सिस्टम कुछ है, आपका बिलीफ सिस्टम है, व्हाट इज अ बिलीफ सिस्टम? मेरा विचार का जो तरीका है विचार करने का और आपके विचार करने के तरीके में डिफरेंस क्या है, उसका उद्भव कहां से, उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई? सबसे पहले जो स्टेज है वह प्रकृति। प्रकृति में क्या था, जब एक प्रकृति हुई, एक कम्युनिटीज बनी, तो प्रकृति के अनुसार ये चीज ऐसे होनी चाहिए, एक डिफॉल्ट इनबिल्ट आंसर आया अंदर से, प्रकृति ये कहती है। तो प्रकृति जो कहती थी, तो उस कम्युनिटी के राजा ने उस चीज को सुना, लीडर ने उसको सुना, उसके पुरोहितों ने कहा कि भैया प्रकृति ये कहती है, आपको ये चीज ऐसे करनी है। तो राजा ने क्या किया, राजा ने एक नीति बना दी। प्रकृति की बात सुनकर के पहली लेयर से दूसरी लेयर आई नीति, नीति माने पॉलिसी। उसने एक पॉलिसी बना दी कि इस टाइम पे जब ये व्यक्ति का जन्म होगा, तो हमारे पुरोहित कह रहे हैं कि प्रकृति कहती है इस व्यक्ति का जो नाम है अगर इस अक्षर से लिखा जाएगा या बोला जाएगा, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। वो नीति है। उस नीति को उस कम्युनिटी ने फॉलो करना शुरू किया, उनको रिजल्ट आने शुरू हो गए। वो राजा के बिलीवर थे, उनको रिजल्ट आए, वो नीति चलती रही, लोग पलायन कर गए, दूसरे शहरों में चले गए, अलग अलग जगह पे चले गए, वहां पर प्रकृति उस जगह की चेंज हो गई, पर नीति वही चलती रही। प्रकृति, नीति, उसके बाद क्या आया, रीति। मेरा बिलीफ सिस्टम था कि मेरे घर में जब बच्चा पैदा होगा उसका नाम हमने अ से रखना, तो वो नीति जो थी, क्योंकि वो कम्युनिटी मेजर कम्युनिटी से डिटैच होकर के नई जगह चली गई, तो एक रीति रिवाज बन गया कि बच्चा पैदा होगा उसका नाम ऐसे रखना जी हमने। वॉवल्स उड़ गए, शब्द उड़ गए, लैंग्वेजेस चेंज हो गई, पर रीति रह गई, उस रीति को फॉलो कर लिया गया। तो वो जो 100% क्रक्स था पहले, जो बेस था, उसको तोड़ करके 50% राजा ने किया, 50 का फिर 25 रह करके उस रीति में चला गया। रीति के बाद क्या हुआ, वो रीति रिवाज चलते रहे, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं। चार पांच अलग अलग कम्युनिटीज के लोग आकर रुकना शुरू हो गए उस गांव में, सबकी रीतियां आपस में मिक्स हो गई, वो मंथन हुआ, वो चीजें खत्म हो गई। और एंड में क्या चीज आई, हमारे नहीं मानते, नियति, जिसको कहते हैं तेरी तो नियत खराब है। नियत माने मेरे अंदर से क्या आ रहा है, मेरे बुजुर्ग क्या कह रहे थे वो रीति थी, पर मेरे मन से क्या आ रहा है, मेरे लड़के का नाम तो निकल रहा है राजा भोजराज सिंह, पर मैं तो उसको पप्पू कहूंगा। वो पप्पू क्या था, वो नियति थी, मैं तो उसको गुगू कहूंगा, मैं तो उसको सोना कहूंगा, मोना कहूंगा, वो नियति है, वो आपकी नियत है। अब आप अपनी नियति को प्रकृति के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छे प्लैनेट्स होंगे तो शायद मैच कर जाए, प्रकृति भी कह रही है इसका नाम पप्पू रख दो, भोंदू लग रहा है, तो आप रख दोगे, आपके अच्छे प्लैनेट्स होंगे तो आप रख दोगे। प्रकृति, नीति, रीति और नियति, इतना ज्यादा गैप आ गया बीच में, और हम काम ये कर रहे हैं, रिजल्ट इसकी एक्सपेक्टेशन हमारी ये है और नहीं आ रहे रिजल्ट, और हम डूब रहे हैं।